Yes, madam, happy Independence Day. Yes. अरे आराम से मैं खिलाओ मैं सब महेश महेश कुछ यहाँ पे राइट साइड सामने आपकी है मैम थोड़ा पिक्चर है देख 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 लोग हैं मैम आपके राइट साइड यहाँ पे इधर मैम वेट रकुल वेट 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 मैडम यस मैम वेट 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 मैम वेट 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 मैम एक मिनट आराम से भी हम लोग को जाने दो आप लोग पहले चले जाओ आप लोग चले जाओ अरे क्या कर रहा भाई नहीं जाए अरे अरे अंकित ए भाई रकुल मैम थोड़ी इधर आए बच्चे बच्ची लोग बच्ची लोग सब पीछे जो सब पीछे ये मैं ये हम लोग पीछे दूसरे का फ्रेंड पकड़ते हो ना तो अरे आगे क्या करेंगे अरे पीछे मतलब मेरे पीछे ये साइड प्लीज आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जगह दे दो थोड़ा सा हां बेटा यस यस आप लोग बड़े साइड साइड पे लेके जाओ आगे ले आगे पीछे थोड़ा सा साइड पे गाइस प्लीज थोड़ा सा हेलो ये बना रहे हो भाई पीछे हो जाओ प्लीज पीछे हो जाओ मैडम 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 पीछे चलते रहो धीमे धीमे थोड़ा सा हल्का हल्के पीछे चलते हो प्लीज हाँ हाँ चल प्लीज 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 कैमरे के बीच में जाना पड़ेगा आराम से उस साइड जाओ यार रुको ना भाई ये लोग हाँ आ जाओ तो पीछे पीछे जल्दी जल्दी आओ तुम लोग यार थोड़ा बस भाई आगे मत प्लीज यार रिक्वेस्ट है भाई इधर इधर सेंटर है इधर यार भैया हाँ दोनों बच्चे आगे आएंगे थोड़ा हाँ बच्चों हाँ बच्चों के बाद और सुनो हाँ जी आइए आइए आगे मनु हाँ ठीक है मैं तो आप बैठ जाओ हाँ बैठ जाओ दुर्गेश आगे तो पीछे आओ फुल फ्रेम मिलेगा यार थोड़ा पीछे आओ ना हाँ, पीछे रहो थोड़ा पीछे रहो ना भाई सब लोग थोड़ा वो नहीं मिलेगा झंडा नहीं मिलेगा झंडा नहीं मिलेगा झंडा नहीं मिलेगा आ जाओ चलेगा बेटा बैठ चिंटी मिंटी बैठ बेटा विश्राम एक सावधान पीछे तो मैं भाई पूरा चाहिए दादा दादा पीछे आओ थोड़ा दादा यार राष्ट्रध्वज के लिए सलामी देंगे सलामी दो एक साथ राष्ट्र गीत सुरक्षा मैडम अरे मैडम मैडम बैठ जाइए मैडम बैठ जाइए
क्या मैडम छोटा सा झंडा मैडम को हाथ में भी दो ना, एक कोई भी आदमी छोटा सा। हाँ बहुत वाह मैडम जी। बच्चे लोग इधर देखो, वेट ऐसे काम होता है भाई। चाहिए सैल्यूट। यस दिख पीछे मैं प्लीज कोई रिक्वेस्ट है कोई गुस्से ना प्लीज। कुछ लोग इस साइड भी आ जाओ। वीर थोड़ा पीछे ले भाई। हाँ बस थैंक यू। मोबाइल वो मोबाइल पीछे है ना भाई। अरे मैडम वेट ओके
ठीक है। अब से काउंट डाउन बंद कर। सीईओ भी हूँ आप सभी का रितिन मैडम और यहाँ पे जो भी एनजीओ के आए हैं उनके सरकारी उनका मैं हमारे स्कूल की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज नितिमा फाउंडेशन हमें खुशी हो रही है कि समाज के जो दुर्लक्षित घटक जिन्हें बोला कहा जाता है उनके लिए वो काम कर रही है, तो इसलिए हमारा छोटा सा योगदान होना चाहिए। इसलिए हमने हमारे स्कूल में उनको सेंटर बनाने के लिए उन्होंने हमसे कहा था कि मैडम जगह चाहिए, तो हमने वो इजाज़त दी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हर काम नेक हो और हर काम देश के नाम होना चाहिए और ये भी देश के बच्चे हैं। और आज इस स्वतंत्रता दिवस पे मैडम मुकुल जी यहाँ पे आई और उन्होंने अपना कीमती समय इन बच्चों के लिए दिया, इसलिए हमारे स्कूल की तरफ से हम उनका सभी जन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद। आज स्वतंत्रता दिवस है, किस किस को मालूम है? अरे सबको मालूम है ना? हाँ, किस किस को मालूम है आज क्या है, आज हम क्या मना रहे हैं? हाँ, इंडिपेंडेंस डे। सब लोग साथ में बोलेंगे, क्या मना रहे हैं? अरे मुझे सिर्फ उसकी आवाज आ रही है, क्या नाम है उसका, उनका नाम क्या है? कृष्णा। मुझे सिर्फ कृष्णा की आवाज आ रही है, बाकी सबकी आवाज कहाँ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो सबसे बड़ा धन्यवाद आप दोनों का जो इतने अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं। आप 20 साल से इन बच्चों का ध्यान रख रहे हैं और बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है एक आउट ऑफ ऑर्डिनरी सोच के लिए और एफर्ट्स के लिए जो आप लोग कर रहे हैं। और थैंक यू आपका जो स्कूल में आपने इन्हें जगह दी एंड बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन मिले, एक्सपोजर मिले, वो बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मल बिहेवियर हो सबका, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते जो बाकी सब कर सकते हैं, मालूम है ना? हाँ हाँ, हम लोग सब, हमको अपॉर्चुनिटी मिले, हम अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे से नंबर्स मार्क्स लाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। अरे बोलता ही नहीं है कोई, सब वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे नाम बताएंगे सब अपना एक एक करके, नाम याद रहेगा? ओके, कृष्णा, कृष्णा, नेक्स्ट, हाँ, क्या नाम है, क्षितिजा, वैभव, क्या नाम है, शिवम, रुको, नेक्स्ट, आकाश गुप्ता, हलसी, हाँ, शर्मा रहे, शाहिद, शाहिद, शाहिद शर्मा रहे, शाहिद, अरे शाहिद तो एक एक्टर भी है, मालूम है ना? वो एक्टर ही है। हाँ? अच्छा नेक्स्ट, बोल, ज्योति, ज्योति, शाहिद, खड़ा होके, खड़ा होके, खड़ा होके, अच्छा बैठ के बता दो, बैठ के बता दो, क्या, रियाज, रियाज,
वेरी गुड. नेक्स्ट. अरे दिख नहीं रहे मुझे आप. खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ. आस्था. आस्था वेरी नाइस नेम. अभी आई आपकी बारी. नेक्स्ट. अच्छा वैष्णव. वैष्णव मुझे पता चल गया. हर्षा. हर्षा ओ वेरी नाइस. स्टैंड अप. So cute, Lakshmi. Very good. Thank you.
हेलो अरे यार अरुण बोलो बैठ करने के लिए करवा लो बोल दो बैठ करने के वही टेबल पर रख दो ए भाई हर्षेश हर्षेश ए अभिषेक हर्षेश बैठ कर लो बैठ कर हम लोग यार वन टू बाइट करने जा रहे हैं यार पहले बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मुझे यहाँ बच्चों के साथ आकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का मौका मिला। उनके अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी और कितने अच्छे से जनगण मन गा रहे थे और फ्लैग होस्टिंग किया, हम लोगों ने बातचीत की। सो आई थिंक एक बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो और उनको उनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी मुस्कुराहट ला सको। एंड आई थिंक सबसे बड़ा थैंक यू जाएगा नितिमा फाउंडेशन को जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है इस तरह का एफर्ट करने के लिए, उनको एजुकेशन सपोर्ट देने के लिए। एंड थैंक यू बाल विकास विद्या मंदिर स्कूल का भी कि वो इस तरह की फाउंडेशन के साथ मिलकर इन बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है आज बच्चों को मिलके, उनके पेरेंट्स से मिलके, उनसे उनके नाम जानकर। एंड आई होप कि ये बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाएं। जी अगर आप एक दिन याद करते जब आप खुद स्कूल में हुआ करते थे, जब 15 अगस्त आप सेलिब्रेट करते थे, तो क्या कुछ याद आपको वापस आ रही है? अरे मैं तो फौजी लड़की हूँ, तो हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस बहुत एक बड़ा फेस्टिवल माना जा मतलब बहुत बड़ा उत्सव माना जाता था। स्कूल में भी सेलिब्रेशंस होती थी और मुझे याद है एक बार स्कूल में पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन हुआ था जिसमें मैंने गाना गाया था। तो इस तरह की एक्साइटमेंट होती थी फ्लैग होस्टिंग की, पेट्रियोटिक फीलिंग आती थी, प्राइड फीलिंग आती थी। एंड एनीवेज आर्मी फैमिली से होने की वजह से मेरे अंदर पेट्रियोटिज्म कूट कूट के भरा हुआ है। सो ऑफकोर्स अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। देखिए हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री के लिए हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। एंड मेरे लिए जो मेरे मन में स्वतंत्रता का मतलब है वो है फ्रीडम फ्रॉम ऑल द शैकल्स ऑफ द सोसाइटी, यू नो, फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ वांटिंग टू डू वॉट एवर दे वांट टू डू, अपने ड्रीम्स को सच करने की फ्रीडम अगर हम हर इंसान को दें और अपना सपना पूरा करने की फ्रीडम अगर हर इंसान के पास हो, आई थिंक मेरे लिए सही मायने में वही स्वतंत्रता है। और हम बड़े होके वो चाह बदल के कुछ और बन जाता है। आज तो आप काफी एक्ट्रेस हैं, बट बचपन में स्कूल टाइम नहीं मेरे को यही बनना था, मैं वही बनी हूँ, ऐसा नहीं था। मैंने वही तो बोला फ्रीडम ऑफ आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं
और वो फ्रीडम हमको हमसे नहीं मिलेगी, वो फ्रीडम हमको सोसाइटी से मिलती है, हमारे पेरेंट्स से, हमारे दोस्तों से, हमारे फैमिली से। और एज अ सोसाइटी हम लोग जितना एक दूसरे के ड्रीम्स को सपोर्ट करेंगे उतना सोसाइटी आगे बढ़ेगी। वेल, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। एंड इस इंडिपेंडेंस डे हम सब एक प्लेज लेते हैं कि हम फ्रीडम खाली अपनी ही नहीं, अपने देश के हर नागरिक के बारे में उस फ्रीडम का सोचेंगे, एंड स्पेशली वुमेन ऑफ आर कंट्री। आई होप कि वो फ्रीली जी पाएँ, ये देश उनके लिए सेफ हो पाए। जिस तरह के इंसिडेंट्स हम सुनते हैं, आई रियली होप कि एक दिन ऐसा आए कि उनको अपनी फ्रीडम के बारे में स्ट्रेस करना ना पड़े। सो आई रियली होप कि हम ऐसा देश बनेंगे जहां सब लोग फ्रीली रह सकते हैं। आई थिंक क्षितिज हमेशा बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक सॉर्ट ऑफ इवेंट्स करता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग इन द कॉलेज बट एन इनिशिएटिव लाइक दिस, एंड इट ऑलवेज फील्स ग्रेट। आई थिंक मैं जब मैं कॉलेज भी गई थी, जो एनर्जी ऑफ द क्राउड ऑफ क्षितिज, आई स्टिल रिमेंबर, एंड आई रिमेंबर द एंथम वॉज अमेजिंग। सो कूडोज टू क्षितिज फॉर ऑलवेज स्टेपिंग आउट एंड डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड डिफरेंट फॉर अ कॉज। सो या, ऑलवेज गुड टू बी बैक। Thank you everybody. Happy Independence Day. मैम, मुझे बहुत खुशी हुई आप डिफेंस फैमिली से हो, क्योंकि मेरा एक लड़का बेटा आदमी ऑफिसर है। रियली, मेरे डैड 21 इयर्स का है अभी। ओह वेरी गुड। और अभी देहरादून में है। ओह वेरी गुड। मेरे डैड आर्मी ऑफिसर अभी रिटायर्ड। कर्नल कमांड के बाद फिर चलिए, चलो आप लोग बाइक ले लो, बाइक ले लो।